फ्रेंड्स, वेलकम टू डोलिन किचन। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मसालेदार बाटी की रेसिपी। फ्रेंड्स, बाटी तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं बाटी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत ही कम ऑयल में बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बाटी के लिए पहले हम आटा तैयार करेंगे। तो ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है। ये जैसे रोटी हम बनाते हैं वैसे ही आटा गूंथना है, लेकिन गूंथने से पहले इसमें एक चम्मच हम नमक डालेंगे, दो चम्मच रिफाइन ऑयल, और ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है। इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे बाटी का स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है। तो अच्छे से मिला लेंगे आटे में, और जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही इसका डो हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंथ लेंगे आटे को। आटा मैंने गूंथ लिया है, अब इसकी हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो बाटी के मसाला बनाने के लिए मैंने चने का सत्तू लिया है, ये मैंने चार बारीक कट कर लिया है, प्याज, चार हरी मिर्च जिसको बारीक कट कर लिया है, ये मैंने लहसुन अदरक पेस्ट लिया है, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, मंगरेला एक चम्मच, और नींबू, और ये मैंने अचार लिया है, और ये हींग लिया है। तो कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे, उसमें चार भर के चम्मच हम सरसों का तेल लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, उसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा इसको चला लेंगे। फिर हम डाल देंगे लहसुन अदरक पेस्ट, चला लेंगे, प्याज को भी डाल देंगे, चला लेंगे। इसी के साथ हम सौंफ, मंगरेला, जीरा, अजवाइन इसको भी डाल देंगे। वैसे तो आप चाहें तो सत्तू में इसको डायरेक्टली वैसे ही मिला सकते हैं, लेकिन हल्का सा इसको भून के मिलाने से सत्तू का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हल्का सा इसको भूनेंगे और इसी में हींग को भी डाल देंगे, चला लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा भून चुका है, अब सत्तू को हम डाल देंगे, ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, चला के अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस का फ्लेम बंद करके इसको उतार लेंगे। अब इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अब इसमें अचार को भी डाल देंगे, ये होममेड अचार है, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, अब हम बाटी को बना लेंगे। तो बाटी बनाने से पहले हम पानी गरम करेंगे। आप सोच रहे होंगे पानी मैं क्यों गरम कर रही हूँ, क्योंकि बाटियों को पहले मैं पानी में उबालूंगी, तो इसको पहले हम गरम होने के लिए रख देंगे। तो जितनी बड़ी हमको बाटी बनानी है उतनी बड़ी हम लोई लेंगे पहले, इसको सूखे आटे में लपेट लेंगे और ऐसे इसको गोल करेंगे। फिर हम मसाले को भरेंगे, फिर अंगूठे से दबाते हुए इसको हम गोल कर लेंगे। फिर देखिए इसको ऐसे ऐसे गोल कर लेंगे, और ऐसे ही करके हम सारी बाटियां बना लेंगे। तो एक और मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ऐसे ही करके हम सारा बना लेंगे। तो सारी बाटियाँ मैंने बना लिया है, और इधर हमारा पानी भी बॉयल हो रहा है, तो इसमें हम बाटी को डाल देंगे। पानी में डालने से ये फ़ायदा है कि इसमें बहुत ही कम ऑयल लगेगा और बाटी हमारा कई दिनों तक ख़राब नहीं होगा। तो बाटी हम पानी में डाल के 5 मिनट तक इसको उबलने देंगे इसी में। तो 5 मिनट हो चुका है, बाटी हमारा अच्छे से उबल गया है, अब इसको हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छे से उबल गया है ये। तो सारा मैंने पानी से बाहर निकाल लिया है, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो बाटी हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म है,
तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से बाटी बनाएंगे तो आपका बाटी 10 से 12 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आराम से आप इसको रख के खा सकते हैं। अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इस बाटी को बना के ले जाइए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और कोई भी सब्जी की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको ऐसे ही सूखा खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करके बाकी की बाटियाँ भी हम तल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी बाटियाँ बना लिया है, एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही खस्ता बना है और ये 10 से 12 दिन तक ख़राब नहीं हो सकता, बिल्कुल आप रख के खा सकते हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही कम ऑयल में बनता है। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।